अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी बदतमीज लड़की है, बाप को धक्का मारकर निकल गई। कम ऑन इशिका, ये तुम्हारा स्पेशल दिन है और सब कुछ इतना अच्छे से हुआ है, इसे बेमतलब के लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कल रंग पंचमी है, शुभ मुहूर्त भी है, क्यों ना एंगेजमेंट भी कर ले। हाँ? कल बस कीजिए बबीता जी। दिलदार जी प्लीज, इतने दिनों के बाद आज मुझे खुशी मिली है, मुझे इस तरह रोके टोकिए नहीं। आप भी एंजॉय कीजिए, होली है, बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन है, दिल खोल के एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आई को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा क्या? नहीं भवानी आंटी को तो नहीं देखा मैंने। थैंक यू। आई कहाँ है तू? बाहर ढूंढूं तुझे। हाँ वो भवानी मिली क्या? नहीं मिली। यहाँ भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा उसे। हर्ष गया है मंदिर ढूंढने, वो शायद वहाँ पर हो। बहुत मुश्किल है आंटी, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। हमो पिछली बार जब वो घर छोड़कर गई थी तब विराट उसे कहीं से ढूंढ लाया था, अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? कोई जरूरत नहीं विराट सर से मदद मांगने की, वो खुद हमें तकलीफ में डालते हैं, फिर तकलीफ से निकालते हैं और फिर कोई नई मुसीबत देने में जुट जाते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है उनसे मदद मांगने की। हाँ तो चिंता मत कर, नहीं मांगूंगी मदद मैं उससे, बस हम भवानी को खुद ढूंढ लेंगे। हाँ आंटी मैं यहाँ नीचे ढूंढती हूँ, आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ हाँ चिंता मत कर, मैं भी ढूंढती हूँ उसे फिर से। वाहे गुरु मदद करो, भवानी मिल जाए बस। काश मॉम ने ये सब किया ही ना होता। शायद मुझे पता है कि भवानी आंटी कहाँ होगी। अभी यही सही वक्त है, चल शुरू हो जा, चल चल चल। हर कहीं देख लिया, कहीं नहीं है तो आई क्या करूं? पुलिस कंप्लेंट करूं? अरे पर मेरी बात तो सुन। अभी क्या सुनूं मॉम? हाँ क्या सुनूं बताओ मुझे। आपको पता है कितना बुरा लग रहा है मुझे, कितना शर्मिंदा हूँ मैं। मामा आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अमृता की माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पे क्या बीत रही होगी? आप मुझे कम से कम ये तो बता सकती थी ना कि मासी ने ये सब प्लान करना है, तो मैं 36 फैमिली को अलर्ट कर देता, वो ना आते ना वहाँ पर। मैं करती नहीं क्या अभी? अब इशिका का भवानी जी के पति जयेश के साथ अफेयर है, ये तक नहीं बताया मुझे बेबोदी ने। सोच वो ना हमेशा ऐसा ही करती है, किसी को भनक तक लगने नहीं देती और पैरों तले जमीन खींच लेती है। और अब ये विराट, वो भी उन्हीं के जैसा बन गया। मैंने कितनी बार पूछा विराट से कि ये सारी तैयारियां क्यों हो रही है, कुछ खास है क्या? लेकिन नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। और बताएगा भी क्यों? चुपचाप अपनी मॉम के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम जो देना था उसने, और देखो कैसे तमाशा बना के रख दिया उस बेचारी भवानी का सबके सामने। हाँ सच कह रही हूँ, अभी ये ना पैसा सर चढ़ गया है विराट की, और वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला। और अब जब वही होना है जो वो और दी चाहते हैं, तो फिर मैं भी क्या बोलूँ? यही तो प्रॉब्लम है ना माँ, विराट कुछ भी गलत कर ले लेकिन उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। अभी इशिका का रोका होस्ट करने का मतलब क्या था? कोई तुक बनती? मुझे नहीं पता। मुझे बेबोदी ने बस ये बताया कि उस चिटनिस परिवार ने उन्हें बहुत परेशान किया। बस। इम्पॉसिबल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम वैसे हो गए एकदम बेकार। मैं जानती हूँ विराट सर कभी मेरी आई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे सता सकते हैं, लेकिन फिर ये क्यों हुआ? हाँ, पर उस लड़की ने भी तो गलत किया ना, विराट की डील तोड़वा कर। फिर विराट को तो गुस्सा आएगा ना। यार मॉम, आप क्या बातें कर रही हैं? आप भी उन जैसी बातें कर रही हैं ना। हाँ, यू नो व्हाट मॉम, मेरा ना दम घुटने लगा है विराट की हरकतें देख देख के। इतनी क्या हो गया इससे? अपना काम धाम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के उस लड़की के पीछे पड़ गया, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मॉम, एक बात बता दूँ मैं आपको, अमृता भी ना कमजोर लड़की नहीं। खुद की और अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लड़ना जानती है। आप खुद सोचे ना मॉम, आपको मुझसे उम्मीद होगी ना अगर आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं छोड़ूंगा उसे? हाँ वो तो है। अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं तो मर ही जाती अभी। अब कहीं वो भवानी भी ऐसा वैसा कुछ कर ना ले। अरे बाप रे, चल चल देखते हैं। पापा, मेरी आई को कमजोर मत पड़ने देना। उसे लड़ना होगा इस दर्द से। हिम्मत देना उसे। अब ये दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। किसी ने बताया नहीं? आज हमारा रोका है। हम रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो रिश्ते दिल से जुड़ने चाहिए, मजबूरी में नहीं। इंसान के पहनावे और दिखावे से ही पता चलता है कि इंसान क्या महसूस कर रहा है। लाएगी तो खुशी ये कहा था, अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा। तूने जो भी 30 साल हो गए सौरव को झेलते हुए। अब मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। आई वांट डिवोर्स। अब तो आधा आएगा कब वो दिन ये बता जा, अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा। लाएगी तू खुशी। आपका दर्द समझ सकता हूँ मैं आंटी। अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा। Zee5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।